कॉलम एक स्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। वे फाउंडेशन के माध्यम से आसपास की मिट्टी तक संरचना का भार स्थानांतरित करते हैं। इसलिए हमें मजबूत कॉलम बनाने की जरूरत है, अन्यथा फेलियर्स उत्पन्न होगी। कॉलम की निर्माण सामग्री कंक्रीट और स्टील के साथ बनाया जाता है। कॉलम्स को डिजाइन करने से पहले घर के लाइव और डेड लोड के कारण सिविल इंजीनियरों को टोटल लोड की गणना करनी चाहिए। जब लागू स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस से अधिक होगा तो स्ट्रक्चर फेल्ड हो जाएगा। सबसे पहले कोलमों का कोई मानक आकार नहीं होता है। कोलमों का आकार कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि कोलमों के प्रकारों पर, उस पर आने वाले भार और आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अनुसार कोलम की उपयोगिता और डिजाइन पर इत्यादि है। कोलमों के प्रकार तो बहुत हो सकते हैं, जैसे लकड़ी के कोलम, आरसीसी कोलम, स्टील कोलम इत्यादि हैं। आजकल आरसीसी कोलम का व्यापक रूप से भवन निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। कोलमों के केंद्रों के लिए समान दूरी बनाए रखने का प्रयास करें। हमेशा कोलम का लेआउट करते समय ग्रिड का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि भवन में कोलम के बीच अधिक दूरी की आवश्यकता है, तब उस परिस्थिति में बड़े कोलम का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि कोलम के बीच की दूरी अधिक हो तब कोलम का आकार बढ़ाया जाना चाहिए। यह कोलमों के बीच की दूरी के साथ साथ बीम की गहराई बढ़ाता है। पूरे प्लाट में कॉलम को ऐसी जगह देना चाहिए ताकि घर का पूरा वजन समान रूप से हर कॉलम पे बराबर बट जाए, ना कि किसी एक कॉलम पे इकट्ठा हो जाए। ऐसा करने से कॉलम टूट सकता है। घर की सुंदरता को बढ़ने से ज्यादा घर की मजबूती पे ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग जबरदस्ती कॉलम को पतला करवाते हैं ताकि वो बाहर न निकले, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कॉलम की वजन उठाने की क्षमता कम हो जाती है। कॉलम की मजबूती उसको बनाने वाले सामान के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपने कमजोर खराब या नकली सरिया लगाया है या कम सीमेंट डाला है तो कॉलम कभी भार नहीं उठा पाएगा जितना उसे उठाना चाहिए। इसलिए असली सरिये का इस्तेमाल करें और M20 से कम कंक्रीट का इस्तेमाल न करें। अगर आप मजबूत कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा 5 फीट से ज्यादा बड़ा कॉलम एक दिन में न बनवाएं। ज्यादा मोटे सरिये का इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है। सरियों का कंक्रीट को बांध के रखना होता है, भार उठाना नहीं। इसलिए एक अच्छे मोटाई का इस्तेमाल करें। ज्यादातर इंजीनियर और आर्किटेक्ट 12 mm से लेकर 25 mm तक मोटाई का सरिया डालने की सलाह देते हैं। रिंग की दूरी 6 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके लिए आप 8 mm से लेकर 12 mm तक की मोटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं।